नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। सेंसेक्स 55,000 अंक के पार, 220 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। भारत में पिछले 24 घंटे में 40,120 नए मामले आए सामने, 42,295 लोग हुए ठीक। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत, 63 साल की महिला ने गंवाई जान। उजागर हुआ टीडीआर का घोटाला, नगर विकास मंत्री ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। बिल्डर दंपति ने किया फ्रॉड, फर्जी दस्तावेज के सहारे बेची जमीन, करोड़ों की धोखाधड़ी। विधान परिषद उपसभापति गोरे ने दिए संकेत, मुंबई में होगा शीतकालीन अधिवेशन। अंगदान की दिशा में हो जन क्रांति, फेसबुक लाइव में महापौर तिवारी ने जताई आशा। स्मार्ट सिटी और मनपा करेगी सर्वेक्षण, स्मार्ट बनेगी परिवहन व्यवस्था। गोरेवाड़ा में कैशलेस सुविधा बंद, एटीएम के लिए 2 किलोमीटर का चक्कर लगा रहे यात्री। रेलवे जीएम ने किया नागपुर स्टेशन का निरीक्षण, यात्री सुविधा का लिया जायजा। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।